सो हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय द वेलकम टू माय YouTube चैनल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान वाले जो व्लॉग्स थे आपने काफी ज्यादा प्यार दिखाया उन सब वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके चेकआउट कर लो। तो मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी अच्छा रिस्पॉन्स दोगे उस वीडियो पे। नॉइज आ रहा होगा बैकग्राउंड का, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना। तो आज है 26 दिसंबर, ये इस साल का आखिरी व्लॉग होगा, ये इस साल की आखिरी वीडियो है जो कि इस चैनल पे डलने जा रही है। उसके बाद 2022 से फिर से नई शुरुआत करेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, मे बी न्यू ईयर होगा, तो हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले आपको। आज की वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ मैं। तो रिसेंटली मेरा एक अभी ट्रिप प्लान है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी गैजेट्स आए हैं मेरे को, तो वो चीज़ अनबॉक्स करूंगा अभी आपके सामने। और वो वाले गैजेट्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम से चाहिए भी थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं और आपके सामने वो अनबॉक्स करते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि आप इसके बाद वाली जो वीडियोज़ होंगी वो आप एक भी वीडियो मिस नहीं करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रैवल होने वाला है। मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया हो। ये रहे वो प्रोडक्ट जो हमने ऑर्डर किए थे, क्योंकि ट्रैवल में इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो इनमें से मैं आपको बता दूँ, ये वाला पैकेट और ये वाला पैकेट 2 दिन पहले रिसीव हुआ थे, तो ये मैंने ऑलरेडी खोल के रख दिए हैं, क्योंकि भाई चेक तो करना पड़ता है कहीं कुछ और नहीं आ जाए। सिर्फ ये और ये वाला, ये प्रोडक्ट अभी तक खुले भी नहीं है। अभी मैं GoPro से शूट करूंगा, जो आप आगे वाला अनबॉक्सिंग देखोगे वो सारी GoPro से शूट होगी, क्योंकि भाई DSLR हैंडी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी भाई गरीब बंदे हैं, अभी हमारे पास ट्राईपॉड भी नहीं अच्छा सा। ट्राईपॉड जिस दिन लेंगे उस दिन भाई अनबॉक्सिंग भी अच्छे से होगी। फिलहाल GoPro पे आते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं। सो सबसे पहले हम अनपैक करते हैं ये वाला प्रोडक्ट, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। तो चलिए इसको पहले ओपन करते हैं। सबसे पहले ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाला 2 पैकेट मैंने ऑलरेडी खोले हुए हैं, ये वाला भी मैंने पहले का अनबॉक्स किया हुआ है, तो इसको ओपन करते हैं। सो हेयर इट इज़, रोड वीडियो माइक गो। तो वैसे रोड का वीडियो माइक्रो भी मंगा सकता था, पर मैंने ये प्रेफर किया क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा उसे। तो अभी तो यूज़ करेंगे, फिर ही पता चलेगा। सो पहले इसको अनबॉक्स कर देते हैं, फिर आपको सारा DSLR पे अटैच करके और इसकी आवाज़ भी आपको सुनाएंगे। और इसकी जो पीछे MRP है, MRP कहाँ पे है भाई, हाँ ये रही इसकी MRP 8400। तो ये 8400 का नहीं पड़ा, ये मेरे को पड़ा 7000 रुपये का अमेजोन से। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। एंड हेयर इट इज़, और इसके अंदर आपको सिर्फ मिलता है ये माइक, ये वाला माइक, जहाँ पे आपको रोड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड ये रहा इसका सस्पेंशन, ये देखो, ताकि जो छोटे मोटे जर्क हैं वो ये सह लेता है। एंड मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं YouTube पे, आप चेक कर सकते हो। एंड ये केबल, जो कि एक इसके पीछे जाएगी एंड दूसरी आपकी जाएगी कैमरा में। एंड ये कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, इसकी ज़रूरत नहीं है। आते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट पे, जो इसके अंदर चीज़ है वो इसके रिलेटेड है। रोड वीडियो माइक गो के लिए डेड कैट, ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया। तो 2610 इसकी MRP है। ये वाला प्रोडक्ट मेरे को पड़ा 2400 का। तो ये भी ऑफिशियली रोड का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रोड जो है वो पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 माइक्रोफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं। डेड कैट बोल लो या विंडशील्ड बोल लो या विंड मफ बोल लो, तो काफ़ी ज़्यादा नामों से ये जाना जाता है। तो इसको खोलते हैं। सो ये रहा वो प्रोडक्ट। भाई ये कैसे फिट होगा, अभी मेरे को भी नहीं पता कि ये माइक्रोफोन पे लगेगा कैसे। यहाँ पे आपको रोड की ब्रांडिंग एज़ यूजुअल मिल जाती है, और ये कुछ लगने के बाद अब लगाना कैसे है वो मेरे को भी नहीं पता। मैं शायद यहीं से, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ से ये जा सकता है अंदर, तो ये मैं लगाने के बाद बताऊँगा, क्योंकि मेरे को अभी तक नहीं पता कि ये कैसे लगता है। थोड़ी YouTube वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर पता चलेगा कि कैसे लगेगा ये। तो ये रहे 2 प्रोडक्ट। एंड तीसरे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, ये वाला, ये मैंने अभी तक मैंने भी नहीं खोला, जो कि मेरे आने वाले ट्रिप है उसके रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। तो ये भी मैंने, ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया, तो ये मैंने अभी तक नहीं खोला हुआ है। सो इसको भी अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। ये फाड़ने में ना अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। इंटरनेशनल अडॉप्टर ऑल इन वन, तो ये यूनिवर्सल ट्रैवल अडॉप्टर है। पैकिंग तो भाई ज़बरदस्त। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रैवल अडॉप्टर है, क्योंकि जहाँ पे मैं अभी जाने वाला हूँ वहाँ पे मैं भी जो इंडियन के सॉकेट्स हैं, इंडियन स्विचेस हैं, वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे। अब आप गैस करते रहो कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कौन सी जगह पे जा रहा हूँ। तो जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे जो कि है इंडियन के, इंडियन प्लग्स नहीं लगेंगे वहाँ पे, ये काम आएगा यूनिवर्सल ट्रैवल अडॉप्टर। तो यहाँ पे आपके इंडियन स्विचेस लगेंगे,
एंड तो ये चेंज भी हो जाता है कंट्री कंट्री के हिसाब से। जैसे ये देखो, आई डोंट थिंक कि आपको दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यूएसए, जापान, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये यूके, स्पेन वगैरह, मतलब कि ये काफ़ी कम से कम आई थिंक कि 21 कंट्रीज़ में ये काम करता है। हाँ ये देखो, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ ये काम करेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल अडॉप्टर। तो अब आप कीप गैसिंग करो कि मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ। खोलते हैं अब ये प्रोडक्ट। तो ये भी मैंने पहले अनबॉक्स नहीं किया हुआ है, ये भी आपके सामने ही अनपैक हो रहा है। ओ भाई साहब, इसकी ऊपर वाली पैकिंग निकालते निकालते ना हालत ख़राब हो गई भाई, इतनी अच्छी पैकिंग। और ये वाला प्रोडक्ट है ना, जो ये मैंने मंगाया द रिलायबल स्टोर मुंबई से, क्योंकि वहीं से मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी डील मिली इस प्रोडक्ट की। अब इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रुको ज़रा, सब्र करो, इतनी ज़्यादा टेप्स। तो ये खोलता हूँ फिर आपसे फिर से मिलता हूँ, क्योंकि पहली वाली पैकिंग खोलने में भी वही हालत ख़राब होगी। अब इसको खोलूँगा फिर आपसे मिलता हूँ। सो हियर इट इज़। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, रुका नहीं जा रहा इसको अपने हाथ में पकड़ने के लिए। ओ माय गॉड, कांट बिलीव भाई, सच में कह रहा हूँ, लिटरली यकीन नहीं हो रहा कि फाइनली मैंने ये परचेज़ कर लिया, जॉबी गोरिल्ला पॉड 5K किट। एंड भाई इसको लेने में हालत ख़राब होगी। ये वाला प्रोडक्ट हर एक व्लॉगर की भाई ड्रीम होता है ये लेना, 5K किट। इसमें 3K भी आता है पर मैंने 5K प्रेफर किया लेना, क्योंकि भाई पैसे खर्चने हैं फिर एक ही बार खर्चेंगे। जो 3K मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई है, एंड जो इसकी बॉडी है ये एल्युमिनियम की है, एंड जो इसका मैक्स पे लोड है वो है 5 kg। तो 5 kg तक ये वज़न उठा सकता है। तो जो मेरा पुराना ट्राईपॉड था वो ये देखो, ये रहा मेरा पुराना ट्राईपॉड जिससे मैं व्लॉगिंग करता था। हालांकि ये कैमराज के लिए नहीं है, ये मैंने तब लिया था जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो 300 रुपये का परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, बेसिक था जब मैंने स्टार्टिंग की थी ये वाला। हालांकि मोबाइल और गोप्रो के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उनका वेट उठा लेता, पर कहीं ना कहीं DSLR का वेट ये उठा नहीं पाता है। एंड जब कहीं पे टाइम लैप्स लेना होता है तो इस पे यकीन करना भाई मुश्किल है, टांगें इसकी निकल जाती है, इस केस पे यकीन करना मुश्किल है। तो इसकी MRP है इस पे 14,597, एंड अमेज़ॉन पे ये मेरे को मिल रहा था 12,000 रुपये का, पर मैंने नहीं लिया। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की एंड फाइनली द रिलायबल स्टोर मुंबई से मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील मिली। तो अब जाके कहीं पे मेरा व्लॉगिंग, जो व्लॉगिंग गियर है वो पूरा है, सिर्फ एक लेंस बाकी है, वाइड एंगल लेंस मेरे पास नहीं है अभी, वो भी चलो आगे परचेज़ कर लेंगे। एंड खोलते ही यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। पैकिंग देखो भाई, पैकिंग देखो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, पैकिंग देख रहे हो ना, ज़बरदस्त। तो भाई प्रीमियम चीज़ ना प्रीमियम ही होती है, हाथ पे पकड़ के पता चलता है कि प्रीमियम है। एंड ये रहा इसका बॉल हेड, जो आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, जो कि व्लॉगिंग करने के टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओ माय गॉड, वाह क्या प्रीमियम फील आ रहा भाई। एंड इसको अभी हम कहीं भी लगा के टाइम लैप्स अपना ले सकेंगे। इसकी ये वाली प्लेट है, ये ऐसे निकलेगी, इस नॉब को आपको थोड़ा सा खोलना है। ये खोल दिया एंड ये प्लेट आपकी बाहर आ गई, एंड ये वाली प्लेट जाएगी आपकी सीधा DSLR में। एंड DSLR फिट करने का आपको फिर से वही वाला नॉब जो है वो टाइट कर देना है। DSLR आपका हो गया रेडी, और यहाँ पे जॉबी की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है, ये आ गया जॉबी। सो DSLR लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है ये। अभी हम इस पे लगाएंगे अपना रोड का वीडियो माइक गो, एंड वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है इसके। जो ये वाला पार्ट है आपके कैमरा का, ऐसे करके दिखाता हूँ। रुक जा, रुको ज़रा, अब तो हमारे पास भाई प्रीमियम चीज़ है, अब तो इसका हम जैसे मर्जी हम इसको घुमा सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपको सिंपली इसको, ये देखो, इसको आपको इसके अंदर डाल देना है, एंड यहाँ से आपको ये वाला स्क्रू जो है वो टाइट कर देना है। एंड माइक अटैच होने के बाद कुछ ऐसा लगता है ये। अभी मैं अपने नए वाले सेटअप से व्लॉग कर रहा हूँ, एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये भारी लग रहा है। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है वाइड एंगल लेंस की या कुछ, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा दूर तक हाथ जा रहा है। अभी मैंने अपना पूरा सेटअप लगा लिया, गोरिल्ला पॉड भी लगा दिया, एंड रोड का वीडियो माइक गो माइक्रोफोन भी लगा लिया, एंड अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो डायरेक्ट वीडियो माइक गो से सुन रहे हो। एंड मेरे को नहीं पता कि आपको ऑडियो कैसी आ रही है, अगर अच्छी आ रही है, पहले से बेटर आ रही है, तो
प्लीज जाके कमेंट एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता अभी, मैं तो जब एडिटिंग करूंगा फिर ही मेरे को पता चलेगा कि ऑडियो कैसी आ रही है। एंड अभी मैं इसको अनप्लग कर देता हूँ और देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी आती है। एंड अभी जो आपको वॉइस आ रही होगी वो DSLR से आ रही होगी, क्योंकि अभी मैंने जो माइक है वो डी अटैच कर दिया है। सो अभी माइक्रोफोन से आवाज़ आ रही है। एंड ये वाला मेरा सेटअप पता कैसे दिख रहा है, ये देख लो भाई, कुछ ऐसा सेटअप दिख रहा है। अभी जो आपको ऑडियो सुनाई दे रही है वो इससे सुनाई दे रही है, वीडियो माइक गो से, क्योंकि मैंने इसको प्लग कर दिया। एंड एक जो मेरे को अच्छी बात नहीं लगी, जो इसकी स्क्रीन है वो टिल्ट नहीं हो सकती। अब ये देखो, अब ये टिल्ट होना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका माइक्रोफोन आ गया तो जिसके कारण ये टिल्ट होना बंद हो गया। पर चलो अब हम ऐसे इसको रखेंगे, एंड जब व्लॉगिंग करनी होगी तो फिर इसको ऐसे कर देंगे। तो ये रहा पूरा सेटअप अभी का, माइक, कैमरा, एक्शन। एक्शन नहीं भाई, जो अभी का गोरिल्ला पॉड। अभी मैं कैमरा के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से व्लॉग कर रहा हूँ, एंड देखते हैं कि जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ वैसे वैसे आवाज़ कैसी आती है। तो अभी मैं दूर जा रहा हूँ एंड आवाज़ देखते हैं, क्योंकि मेरे को भी पता चलना चाहिए कि भाई कितनी दूर तक ये आवाज़ कैप्चर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे तक चला गया हूँ। एंड आई होप कि आपको आवाज़ पहले से अच्छी आ रही होगी, तो आई होप कि आपको आवाज़ पहले से ज़्यादा अच्छी आ रही होगी, क्योंकि पहले तो इनबिल्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग होती थी तो इतनी ज़्यादा ऑडियो आती नहीं थी, पास से बोलना पड़ता था। अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं फ़ैन चला के। तो अभी भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड है, पर आप लोगों के लिए फ़ैन चला लिया मैंने, फ़ैन चल रहा है। एंड आई होप कि आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी। सारा टेस्ट होना चाहिए इस माइक का, क्योंकि मैंने भी तो आगे यूज़ करना है, मेरे को भी पता होना चाहिए कि ये कितनी साउंड प्रूफिंग कर सकता है। विंड नॉइज टेस्ट भी हो गया, एंड जब मैं अभी एडिटिंग करूँगा फिर ही जाके मेरे को पता चलेगा कैसा ये माइक परफॉर्म कर रहा है। तो जो वीडियो माइक गो के साथ आता है वो है ये वाला, तो ये उतार के आपका ये वाला विंड मफ लगा, एंड कुछ इस तरह का व्लॉगिंग सेटअप लग रहा है हमारा। सो गाइस यकीन नहीं हो रहा मेरे को भी, फाइनली मैंने जो अपना व्लॉगिंग का गियर का सेटअप है वो पूरा बना दिया। हाँ सिर्फ एक वाइड एंगल लेंस नहीं है, तो चलो वो भी आ ही जाएगा। तो करते हैं वीडियो आज का यहीं पे क्लोज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हार्ट ट्रैक से फ्रेंड मो, बाय। और हाँ बताना कि भाई सेटअप कैसा लगा। एंड वीडियो के चक्कर में ना मैंने गंद देखो कितना डाल दिया, ये देखो ये कितना गंद डाल दिया मैंने। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट जर्नी पे।